सलामुन अलैकुम, मैं हूँ एल मोसेस और आज हम ये देखेंगे कि क्या कुरान के अंदर वर्ड या कलिमा हराम ज़्यादा या बास्टर्ड गैर मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुछ लोग कुरान के ऊपर ये एतराज़ उठाते हैं कि इस दुनिया का खालिक, हम सबका बनाने वाला, उन लोगों को कि जो कि उसके अंदर ईमान नहीं रखते, जो उसके ऊपर ईमान नहीं रखते, उनको एक ऐसे कलिमे से बुलाता है कि जो किसी भी महज़्ज़ब इंसान के लिए सही नहीं है। तो क्या ये बात सही है या क्या इस कलाम में थोड़ी सी गलती है कि जिसके अंदर हम लोगों की इस्लाह कर सकते हैं? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये है वो आयत जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिसके अंदर खुदा लोगों को हरामज़ादा कह के बुला रहा है। ये सूरह कलम की आया नंबर 13 है जिसमें खुदा कहता है उतुल्लिन बाद ذلك زنيم। यहाँ पर कुछ बातें हमारी तवज्जो के लिए बेहद ज़रूरी हैं। पहली बात, इस वर्ड ज़नीम का मादा ज़ा नून मीम है और इस मादे को पूरे कुरान में सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल किया गया है, यानी कि दूसरे अल्फाज में ऐसा और कोई भी कलिमा कुरान में सवा इस आयत के मौजूद नहीं है जो ज़ा नून मीम से लिया गया हो और जिसके ज़रिए से हम ये कोशिश कर सकें कि हमें इस वर्ड का सही मतलब मालूम हो सके। तो कहने की बात यह है कि ज़ा नून मीम ज़ा नून या यानी ज़िना से एक मुख्तलिफ वर्ड है। इस वर्ड का ज़िना से ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि ज़ा नून मीम और ज़ा नून या दो मुख्तलिफ मादे हैं। इस बात पे हम दोबारा गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि हम ऐसे कुछ कलिमात के ऊपर नज़र डाल लें कि जो अरबी में एक बास्टर्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वो ऐसे कलिमे हैं कि मैं समझता हूँ कि जो भी इंसान उर्दू हिंदी बोल सकता है उसको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी, जैसे कि इब्न हराम, तिफल गैर शरई, इब्न ज़िना। अब हम उन आयतों के ऊपर नज़र डालेंगे कि जहाँ पर मादा ज़ा नून या यानी ज़िना इस्तेमाल किया गया है, ताकि इस चीज़ के ऊपर हम यकीन दहानी कर सकें, इस चीज़ को हम कंफर्म कर सकें कि ज़ना मीम ज़नीम और ज़नून या ज़िना दो मुख्तलिफ मादे हैं और इनको इस्तेमाल भी इस किताब में मुख्तलिफ अंदाज़ों में किया गया है। मिसाल के तौर पे पहली आयत सूरह इसरा की हमारे सामने है जिसमें खुदा कहता है वला तकरबू अज़्ज़िना, नहीं अप्रोच करो अज़्ज़िना को। ये दूसरी आयत में कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी। ये तीसरी आयत में कहता है अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन। कहने की बात यह कि हमें इस चीज़ में फ्रॉम एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव कि हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि ज़ा नून या और ज़ा नून मीम दो मुख्तलिफ मादे हैं और इनके मतलब भी मुख्तलिफ हैं, सवाए इस बात के कि इनके पास शुरू के दो हरूफ सेम हैं। इन दोनों कलिमात को कुरान के अंदर एज अ सेम ट्रीट नहीं किया गया। अब हम कुछ ट्रांसलेशंस पे नज़र डालेंगे कि जहाँ पे इस कलिमे को ट्रांसलेट किया गया है, ताकि हम ये देख सकें कि इस कलिमे को ट्रांसलेटर्स ने किस सेंस में अंडरस्टैंड करके ट्रांसलेट किया गया है। मोहम्मद असद ज़नीम के बारे में कहते हैं अटरली यूज़लेस, बग़ैर किसी काम के। पिकटॉल कहते हैं इंट्रूसिव, घुसपैठिया। यूसुफ़ अली कहते हैं बेस बॉर्न, या ऐसा शख्स जिसकी विलादत अच्छी तरीके से ना हुई हो। मुस्तफ़ा ख़ताब कहते हैं एन इलिजिटमेट चाइल्ड, एक वो बच्चा जो कि इलिजिटमेट है, गैर शरई है। सूफ़ी कसकास कहते हैं समवन हु इज़ डिस्पिकेबल, वो शख्स कि जो मलामत के लायक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि सिर्फ पाँच ट्रांसलेशंस देखने के अंदर भी हमें पाँच थोड़े थोड़े से मुख्तलिफ तरह के माने मिल रहे हैं। तो हम इसका माना कैसे समझें? जैसे कि मैंने पहले इस चीज़ के ऊपर नज़र दिहानी करवाई थी, ज़ा नून मीम यानी ज़नीम का कलिमा पूरे कुरान में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम और आयतों में इस सेम कलिमा का इस्तेमाल को देखकर समझने की कोशिश कर सकें कि इसका मतलब क्या है। तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है इसको समझने के लिए, और वो ये है कि हम अरबी की डिक्शनरीज में जाके देखें कि इस कलिमे को वहाँ पे इस लैंग्वेज को बोलने वालों ने कैसे समझा,
या इस कलिमे का अहले ज़बान यानी अहलुल अरब के पास क्या मतलब था। तो पहले डिक्शनरी जो मैंने अपने सामने रखी है वो हैंस वहर की फोर्थ एडिशन, जिसमें वो जनीम को ट्रांसलेट करते हैं लो, डिस्पाइज्ड, इग्नोबल, मीन, बास्टन, स्ट्रेंजर, आउटसाइडर, या अगर हम उर्दू में बोलें तो वो शख्स जो नीच है, जिसको पसंद नहीं किया जाता, जिसके पास शर्फ नहीं है, जो मीन है, जो बास्टन है, जो कि एक स्ट्रेंजर है, या वो एक ऐसे इलाके में रह रहा है जहाँ वो बिलोंग नहीं करता। लेंस लेक्सिकन मुजन्नम को ऐसे डिफाइन करती है, और ये वो कलिमा है जिसके ऊपर जनमा किया गया। वन अडॉप्टेड अमंग पीपल टू हूम ही डज नॉट बिलोंग, वो शख्स जिसको ऐसी कम्युनिटी या ऐसे लोगों में अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया, जहाँ पे वो बिलोंग नहीं करता। लिसान अरब, और ये वो अरबी की डिक्शनरी है जिसको हर कोई डिक्शनरीज में सबसे आला मकाम पे रखता है, वो जनमा को ऐसे डिफाइन करते हैं, जनमा चल उदम, कानों को जनमा, फ़ेल को जनमा कहते हैं। और आगे जाके कहते हैं वल मुजन्नम और मुजन्नम, जिस चीज़ या जिस शख्स के साथ जनमा किया गया हो वो कौन होता है, अल्लज़ी तुक़्ता उदुनुह, वो शख्स या वो चीज़ जिसके कानों को काटा गया हो, वयुतरकु लहू जनमा, और उसको छोड़ दिया गया हो जनमा में। और आगे जाके इसी सेम कुरान की आया के बारे में कहते हैं, क़ीला कहा जाता है मौसूमुन बिशर, यानी के जनीम के बारे में ये कहा जाता है कि वो शख्स जिसको शर, बुराई, गलत चीज़ों के साथ मौसूम या नथी कर दिया जाए। आगे हम एम जी फरीद की डिक्शनरी में जनीम का मतलब यूँ पाते हैं कि वन अडॉप्टेड अमंग पीपल टू हूम ही डज नॉट बिलोंग एंड नॉट बीइंग नीडेड एज दो ही वर अ ज़नमा, यानी कि वो शख्स जो कि एक ऐसी सोसाइटी में हो जहाँ पे उसको कबूल ना किया जाए क्योंकि वो उनसे बिलोंग नहीं करता, और वो वहाँ पे ऐसे हो जैसे कि वो एक ज़नमा हो। और ज़नमा का मतलब क्या है, अ मार्क मेड बाय कटिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ द ईयर, कान के एक हिस्से को काट देने वाले मार्क को ज़नमा कहा जाता है। ताकि हम इल्मी तौर पे एक मुतवाज़न बात कर सकें, यहाँ पे मैंने कामूसुल क़ुरान को भी शामिल किया गया है, जिसमें जनीम का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब दिया गया है, जो कि है हरामी, अपने वालिद के सिवा किसी और शख्स का बेटा। अगर आगे हम एक और किताब पर नज़र डालें जो कि है लुगातुल क़ुरान, उसमें अज़नीम उस शख्स को कहा गया है जो किसी कबीले से नस्बी ताल्लुक़ न तो रखता हो लेकिन उसके साथ यूँ ही मुलहिक हो जैसे बकरी के गले में जूंक की तरह दो थन से लटक रहे होते हैं। अरबों में नसब को बड़ी अहमियत हासिल थी। ज़ाहिर है कि ऐसा शख्स जिसका नसब कुछ और हो या मालूम ही ना हो और वो यूं ही किसी कबीले के साथ मुंसलिक हो जाए, वो जलील और कमीना शुमार होता है। इसीलिए अज़नीम कमीने आदमी को कहते हैं जो अपनी कमीनगी और शरारत में बदनाम हो। लेट्स समराइज, अब तक की हम समरी करते हैं। कुरान के अंदर ज़नमा ज़नीम का लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ एक आया में इस्तेमाल हुआ है। चूँकि ये वर्ड सिर्फ एक आयत में इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि इस एक कलिमे को मुख्तलिफ आयत में इस्तेमाल होने के तरीक़े से इसके मतलब को सही तरीके से समझ सकें। तो इसी लिए हमने डिक्शनरीज़ के अंदर भी नज़र डाली, और डिक्शनरीज़ में देखकर हमें जो माना मिल रहा है, अगर हम लिटरल लेना चाहें तो उस चीज़ की बात कर रही है जिसके कान काट दिए गए हों, लेकिन अगर हम मजाजी सेंस में इसको लें तो मजाजी सेंस में सब डिक्शनरीज में जो एक मतलब मैं समझता हूँ इल्मी तौर पे बड़े वाज़ह तरीके से सामने आ रहा है, वो उस चीज़ या उस शख्स के बारे में है कि जो एक ऐसी मुज्तमा या सोसाइटी में रह रहा हो जहाँ पे रहने के बावजूद भी वो अपनी शरारत और अपने बद कामों की वजह से उसे बिलोंग ना करे। जनीम के वर्ड को समझने के लिए हमारे पास एक और तरीक़ा भी है, और वो तरीक़ा आप दुनिया की किसी भी किताब के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जानना चाहें कि इस किताब में इस एक वर्ड का मतलब क्या है, अगर हम उस वर्ड को ना भी जानते हों तो उस वर्ड के सियाक यानी कॉन्टेक्स्ट से हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होगा। तो इस चीज़ के लिए हम सूरह कलम की इस एक आयत से तीन आयत पहलों को भी उठा के देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम एक रब्त में, एक कॉन्टेक्स्ट में, एक सियाक में जनीम के मतलब को समझ सकें। तो अगर हम शुरू करें आया नंबर 10 में खुदा कहता है वला तुतिअ कुल्ला हल्लाफिन महीन,
इंग्लिश में मोहम्मद असद की ट्रांसलेशन है. फर्दरमोर डिफर नॉट टू द कंटेम्प्टेबल स्वेयरर ऑफ ओथ्स, उर्दू में, और नहीं फॉलो करो झूठे कस्में खाने वाले को. हम्माज़िन मशाइन बी नमीम टू द स्लैंडरर दैट गोज अबाउट विद डिफेमिंग टेल्स, वो शख्स कि जो दूसरों के बारे में गंदी बुरी किस्से कहानियाँ सुनाता हो. मन्नाइन लिल खैर मुअ्तदिन अथीम द विदहोल्डर ऑफ गुड द सिनफुल अग्रेसर, वो शख्स जो खैर सही चीज़ करने का मना करने वाला हो और गलत चीज़ों को करने में आदी हो. उतुल्लिन बाद ज़ालिक ज़नीम, वन हु इज़ क्रूअल बाय ग्रीड पज़ेस्ड एंड इन एडिशन टू ऑल दिस अटरली यूज़लेस टू हिज़ फेलो मैन, वो शख्स जो ज़ालिम हो और उसके बाद वो ज़नीम हो, या वो अपने मुज्तमा अपनी सोसाइटी में ऐसे वजूद रखता हो जहाँ पे उसकी कोई वक़्त, जहाँ पे उसकी कोई हैसियत, जहाँ पे उसका कोई भी किसी और को फ़ायदा ना हो. अब अगर हम एक कदम पीछे लें और हम इस बात पे ही अड़े रहें कि ज़नीम का मतलब हरामज़ादा लिटरली ही होता है, तो क्या हम इंसाफ से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जिस शख्स की बात की जा रही है जो झूठी कस्में खाता है, जो दूसरों के बारे में उनके पीठ पीछे बुरी और गलत कहानियाँ सुनाता है, जो सही काम करने को रोकता है और गलत काम करने के अंदर पुख्ता और आदि हो चुका है, जो जालिम है, जो लालची है और वो हरामजादा है, क्या ये बात ज़्यादा मंतकी है, या ये कि ऐसा शख्स जो सारे वो काम कर रहा है जो किसी भी मुश्तमा के अंदर मकबूल, मारूफ, एक्सेप्टेबल नहीं है, वो उस मुश्तमे का कभी भी पार्ट नहीं हो सकता. आखिर में मैं यही कहूँगा कि खुदा के कलाम को समझने के लिए हमें उसके वर्ड को वही कदर देनी चाहिए कि जिस कदर का वो मुस्तहिक है. जैसे कि खुदा कहता है मैं कदरुल्लाह हक कदर है, और अल्लाह की कदर न जाने जैसे कि चाहिए थी. इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त तलब करूंगा. अगर आपको इस वीडियो में ये बात मंतकी लगी, अच्छी लगी, तो इसको लाइक कीजिए, इस पेज को भी सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपके पास कुछ और सवालात हैं, कुछ और असीला हैं, कुछ और शकूक हैं, या आपको बात करनी है, तो आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं. आपके सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगली बार तक के लिए सलामुन अलैकुम.